हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज का पेपर आप लोग का ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग के पेपर अच्छे गए रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तभी मुझे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका एग्ज़ाम हो गया, अभी अभी कंप्लीट हुआ, इसका PDF मुझे मिल गया है। तो मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ और आप लोग चेक कर सकते हो कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना कि इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो चलो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, देखते हैं कि इजी था या डिफ़िकल्ट था और आप लोग ने कितना राइट रॉन्ग किया है। मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और आप लोग चेक कर सकते हो मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लास्ट टाइम जो रिवीजन कराया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको पूछा गया था, एनी 10 करना था, टोटल 12 दिया हुआ था। तो यहाँ पर यदि आपके 10 राइट निकलते तो भी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। आपको पता है स्टूडेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। और यहाँ पर वर्ड ही दे दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होता है वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट्स नहीं होता, करंट लायबिलिटीज का पार्ट्स होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। आई होप आप लोग का राइट गया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग एक चीज़ बहुत गलत करते हो, मैं आप लोग के लिए इतना एफर्ट डाल के वीडियो बनाता हूँ, ना तो आप लोग वीडियो को बराबर देखते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, मतलब मोटिवेशन आप लोग देते ही नहीं हो यहाँ पर। तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में आप लोग एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा कि आप लोग हाँ मेरे से जुड़े हुए हो कंटिन्यू। तो मैं आपको हमेशा नए नए वीडियो बना के अपलोड करते रहूँगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, और उसके बाद अपने आंसर मैच करो और कमेंट करके बताओ। दूसरा यहाँ पे लिखा है, कंटिजन लाइबिलिटीज आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो भी बताया कि कंटिजन लाइबिलिटीज जो रहता है वो बैलेंस शीट के फुट नोट में शो करता है, मतलब बैलेंस शीट के नीचे शो करता है। तो बैलेंस शीट के नीचे शो करता है तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आता है। तो इसका मतलब होता है ए बी फॉल्स है, फर्स्ट सेकेंड फॉल्स है। चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं यहाँ पे फिनिश गुड्स का होता है। तो ए बी स्टेटमेंट फॉल्स है, बट मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट है, तो आप लोग चेक कर लेना। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ, बट फॉल्स ही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कोई भी आंसर को मैच नहीं किया, तुरंत पेपर मिला तुरंत वीडियो बना रहा हूँ, और 110% जो भी बताऊंगा राइट ही रहेगा स्टूडेंट, आप लोग को पता ही मेरा एक्सपीरियंस। आगे यहाँ पर, इफ द बायबैक एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है द ऑथराइज टू अप्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग। बिल्कुल नहीं, यदि 10% से कम रहेगा तो उसके पास अप्रूव करने का ऑथराइजेशन है, बट 10% के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 10% से ऊपर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइजेशन है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो शुरू के 4 तो अभी फॉल्स निकल गए। डेप्ट इक्विटी रेशियो मस्ट बी मोर देन 2:1 होना चाहिए आफ्टर बायबैक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या तो 2:1 रहे या तो इससे लेस होना चाहिए, मोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए बी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टार्टिंग के 5 फॉल्स निकल गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, और स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के जो आपके PDF रहेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको शेयर कर दूंगा मैं, चैनल सब्सक्राइब करके, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना सब लोग। 6th क्वेश्चन दिया है, द बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजुलेशन, फॉल्स है, 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना रहता है, तो ये फॉल्स हो गया। एक स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लिखा है, इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो न्यू कंपनी इज क्रिएटेड, ट्रू है, मतलब शुरू के 6 के 6 क्या है, फॉल्स है। इसके बाद ए वाला क्वेश्चन आपका क्या मिला, ट्रू मिला। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बोलता जब हम लोग अल्टरेशन करते हैं, ए बी एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड है। ए बी स्टेटमेंट क्या, ट्रू है, मतलब
यहाँ सिक्स तक आपके फॉल्स है, इसके बाद ये ट्रू ई ट्रू। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये भी कल मैंने बताया था, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आप लोग ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहेगा, तो जब आपको प्रॉफिट होता था इन्वेस्टमेंट बेच के, तो उसको कहाँ पे हम लोग लिखते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। इसलिए ए बी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सी एस आर स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए बी ट्रू है। आगे लिखा है इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ मोरल फिलोसॉफी, गाइड द पीपल अबाउट द ह्यूमन कंडक्ट, ए बी ट्रू है। मतलब एकदम ही सिंपल दिया था, स्टार्टिंग के 6 ट्रू, सॉरी स्टार्टिंग के 6 क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये सब फॉल्स है, फॉल्स 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 6 तक। इसके बाद ट्रू 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 ट्रू, मतलब 6 फॉल्स है 6 ट्रू है। शुरू के 6 फॉल्स आपके हैं, उसके बाद के 6 क्या है, ट्रू है। इसके बाद यहाँ पर मैच द कॉलम पूछ लिया था, आप लोग को डिफिकल्ट लगा होगा, बट जिसने मैंने जो ऑब्जेक्टिव सिखाया था किए रहोगे तो आई होप आपको अच्छे कह रहेंगे। और स्टूडेंट इनकेस आपको 6M में कभी क्लासेस ज्वाइन करने का मन करेगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, आपको बेस्ट क्लासेस मिलेगा, डेमो लेक्चर भी अटेंड करके आप लोग देख सकते हो। तो 9820827674 एटलीस्ट नंबर सेव करके रखना, आपको काम ही आएगा। अभी यहाँ पे देखो मैच द कॉलम में क्या होता है स्टूडेंट, 12 क्वेश्चन दिया है, 12 क्वेश्चन के पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने का, फिर आंसर पढ़ लेने का, फिर मैच करने का, तो आपको समझ में आएगा कौन सा आइटम किस में जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, डिबेंचर माइनिंग राइट्स दिया था, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स लार्जर डिनोमिनेशन टू स्मॉल डिनोमिनेशन दिया हुआ है, क्रेडिटेड बैलेंस ऑफ कैपिटल डिडक्शन अकाउंट दिया हुआ है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दिया है, इस्क्रो अकाउंट दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर दिया है, कम इंटरेस्ट है, बोनस शेयर रिसीव है, विस्टल बॉलोइंग है, इथिक्स है। यहाँ पे दिया है सब डिविजन ऑफ शेयर, नॉट अवेलेबल फॉर बाईबैक विदाउट इंटरेस्ट, नथिंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट कॉलम, रिपोर्ट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। आगे लिखा मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल सिक्योरिटीज विथ इंटरेस्ट और नेसेसरी टू ओपन अकाउंट ऑफ बायबैक और प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज। अभी देखते हैं इसके राइट आंसर क्या है। आपको दिया यहाँ पे डिबेंचर, तो डिबेंचर आपको पता है स्टूडेंट डिबेंचर क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है। जब भी मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया था, उसके अंदर बताया था कि डिबेंचर फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। दूसरा मैंने बताया था डिबेंचर जो रहता है ना हमेशा कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता था। किसके अंदर आता था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसलिए डिबेंचर का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आई हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आई। क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। माइनिंग राइट्स, कल मैंने बताया था इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं कॉपी राइट्स, आपको माइनिंग करने के लिए कोई चीज़ को माइनिंग करने का राइट्स सिर्फ आपको मिला, तो वो राइट्स आपका इंटेंजिबल असेट्स होता है, राइट्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा इंटेंजिबल असेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, मतलब जी कौन सा जी, ओके, कन्वर्जन ऑफ शेयर टू लार्जर डिनोमिनेशन टू स्मॉलर, स्मॉलर में आता तो उसको हम लोग सब डिविजन बोलते हैं, कल ही मैंने बताया था ये, तो इसका राइट ऑप्शन ए आ जाएगा, फर्स्ट वाले का आई, दूसरे वाले का जी, थर्ड वाले का ए आ जाएगा, सब डिविजन। ये किसका है, थर्ड का, ये किसका है, सेकेंड का, लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका था, फर्स्ट का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर स्टूडेंट हम लोग को नई कंपनी बनाते हैं, तो इसका लास्ट ऑप्शन आ जाएगा री, एम वाला है प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइज, ठीक है, ए इसका आ जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एम। उसके पहले क्वेश्चन हम लोग को दिया है कैपिटल बैलेंस के जो क्रेडिट बैलेंस रहता है कैपिटल डिडक्शन का,
उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते स्टूडेंट, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व जो रहेगा ये फोर्थ वाले का ऑप्शन रहेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसका राइट आंसर एम हो जाएगा। इस्क्रो अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं बाय बैक के लिए नेसेसरी होता है, तो इसका एल हो जाएगा, सिक्स का एल हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग यूज नहीं कर सकते बाय बैक के लिए, कल ही मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो रहता है इसको हम लोग बाय बैक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन सेवंथ का राइट ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, नॉट अवेलेबल फॉर बाय बैक, नॉट अवेलेबल फॉर बाय बैक। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, जे हो जाएगा, क्योंकि इसको फिक्स रेट में कुछ नहीं मिलता है, वेरिएबल इनकम मिलता है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहे, इसका राइट ऑप्शन के आ जाएगा। नाइन्थ का राइट ऑप्शन क्या है, के है विथ इंटरेस्ट। वेस्टल बॉलोअर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, तो इलेवंथ का ए आ जाएगा। और इथिक्स क्या होता है, इथिक्स होता है, इथिक्स का मोरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू आ जाएगा राइट ऑप्शन, मतलब एफ आ जाएगा। चलो वापस से रिपीट कर देता हूँ फटाफट, आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका है। फर्स्ट का आई आ जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाएगा। माइनिंग का आ जाएगा इंटेंजिबल असेट्स, तो इंटेंजिबल असेट्स हमारा कौन से नंबर पे है, जी पे है। इसके बाद थर्ड का हम लोग का आ जाएगा कन्वर्जन, ए आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल कैपिटल रिजर्व में जाएगा, एच आ जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लास्ट में एम आएगा। इसक्रो का बायबैक का अकाउंट ओपन करते हैं, नेसेसरी टू ओपन बायबैक अकाउंट, तो इसका आ जाएगा आपका सिक्स का एल है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग बायबैक के लिए नहीं यूज कर सकते, मतलब इसका बी है। इन्वेस्टमेंट इक्विटी एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल इनकम बेयरिंग है, कम इंटरेस्ट रहता है विथ इंटरेस्ट, के आ जाएगा। बोनस शेयर आर रिसीव, इसको हम लोग बोनस शेयर को रिसीव करते हैं, यहाँ पे नथिंग इज रिकॉर्ड इन द कॉस्ट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब डी वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। वाइस बॉलोइंग का आ जाएगा रिपोर्ट और सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉन्ग, मतलब ई आ जाएगा। और ई क्या रहेगा, इथिक्स क्या रहता है, मोरल प्रिंसिपल वैल्यू, एफ आ जाएगा। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो स्टूडेंट, तो आप लोग के राइट आंसर पता है चल गया। ट्रू फॉल्स में स्टार्टिंग के सेफ छः फॉल्स हैं, बाकी छः क्या था, ट्रू था। थैंक यू सो मच।